एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग। आई होप गाइस आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए अभी इन्फोसिस के रिगार्डिंग, अभी एक वीक पहले काफ़ी लोगों के पास में एक मेल आया था जो कि इन्फोसिस के कैंडिडेट थे। तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा था कि हमारे 2022 के कैंडिडेट थे जिनकी ऑनबोर्डिंग अभी तक नहीं हुई थी। आपने अभी मेरा प्रीवियस वीडियो भी देखा होगा कि NITS ने कंप्लेंट रेज की है इन्फोसिस की तरफ से, क्योंकि उन्होंने 2000 से ऊपर रिक्रूटमेंट कंपनी, मतलब जो हमारे ऑफर्स थे जो कि हमारे का जो कि डिले कर दिए थे ऑनबोर्डिंग, उसकी वजह से उन्होंने कंप्लेंट की है। लेबर मिनिस्ट्री ने भी की है कंप्लेंट, जिसके बारे में अब शायद हमारी ऑनबोर्डिंग के चांसेस जल्दी से जल्दी होने के चांसेस हैं। तो बात करते हैं अभी हमारी जो कि अभी मैंने आप लोगों को कम्युनिटी सेशन में भी मैंने डाला है, तो वहाँ पर आप लोग जाके पोल में अपना वोट भी दे सकते हैं कि 2022 में जो अभी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में मेल आया था कि बहुत सारे कैंडिडेटों ने डॉक्यूमेंट्स अभी सबमिट नहीं किए हैं एक टाइमलाइन के अकॉर्डिंग। अगर आप लोगों ने उस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए हैं तो आप लोगों को कंपनी फर्दर अपडेटेड नहीं देगी और ऑनबोर्डिंग आप लोग की डिले और हो सकती है, या फिर इवनली आप लोगों को कंपनी उसमें नहीं रखेगी। तो गाइस अगर मैंने ये देखा था तो मैंने सोचा कि ये काफ़ी सारे एक्सपीरियंस लोग कैंडिडेटों के पास में अभी मेल आए होंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली मार्च लास्ट में एक्सपीरियंस कैंडिडेटों की भी हायरिंग हुई थी, वहाँ पे उनके इंटरव्यूज़ भी हुए थे। जो डिसीजन पेंडिंग के बाद में कुछ स्टेटस अभी तक नहीं आ रहा था, बहुत सारे लोगों के 50-50, 60-60 डिसीजन पेंडिंग है, ऑरेंज आ रहा है, ग्रीन आ रहा है किसी के में। तो डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने सोचा कि इसमें थोड़ा सा ऑफिशियली देख लूँ कि क्या अपडेटेड आई थी कि 2022 बैच के कैंडिडेट थे कि एक्सपीरियंस थे। तो पर वहाँ से मुझे पता चला कि 2022 कैंडिडेटों के पास में भी जो SC और DSC रोल के कैंडिडेट थे उनके पास में भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में मेल आए हैं। तो गाइस अगर आप लोगों के पास में मेल आए हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और मेरे टेलीग्राम पर भी जाके आप लोग वहाँ सकते हैं, और कम्युनिटी सेशन में भी वहाँ जाकर जनरेट कर सकते हैं, जिससे मुझे कन्फर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ 2022 के कैंडिडेट थे या एक्सपीरियंस कैंडिडेट थे। पर अभी तक जितना भी अजम्पशन है, जो भी अभी तक जितने भी हमारे जो कि पता चला है, जो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट पता चला है हमारा जो भी इन्फोसिस की तरफ से, जो 2022 कैंडिडेट के बारे में डॉक्यूमेंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन आई है। तो आई होप गाइस वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जल्दी से जल्दी यार सब्सक्राइब कर दो यार, शेयर कर दो।